हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के मेले और त्यौहार हम देख रहे थे, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देख ले, शानदार ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है। आपके सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और राजस्थान के मेले त्यौहार में कुछ गलत नहीं होगा और एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। राजस्थान के मेले त्यौहार हम देख रहे थे। त्यौहारों में हमने पिछली क्लास में आश्विन के महीने तक के त्यौहार देख लिए थे। आज हमें कार्तिक महीने के त्यौहार देखने हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने की बात करें, हेडिंग डालनी है कार्तिक के त्यौहार। इतना सा ध्यान रखना है, कैसे कार्तिक कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक कैसे करवा चौथ, सीक्वेंस से सब कुछ याद हो जाएगा, कार्तिक के सारे त्यौहार याद हो जाएंगे। इतना ध्यान रखो, कैसे कार्तिक कैसे करवा चौथ। तो कार्तिक के महीने में सबसे पहले आएगा करवा चौथ, और करवा चौथ कब आएगा, कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को। कैसे कार्तिक कैसे करवा चौथ, कैसे कृष्ण पक्ष। तो कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को हमारे पास आएगा करवा चौथ। करवा चौथ को पता ही है आपको, स्त्रियां व्रत रखती हैं, अपने पति को खुश करती हैं। पति खुश करके उनको क्या देते हैं, उनको धन देते हैं। पति अपनी पत्नियों को खुश करते हैं और उनको धन देते हैं। धन से हमें याद रखना है धनतेरस, धन से हमको ध्यान रखना है धनतेरस। और धनतेरस हमारे पास आती है कार्तिक की कृष्ण की तेरस को, कार्तिक कृष्ण तेरस को हमारे पास धनतेरस आती है। धनतेरस को आपको पता ही है, धन्वंतरी वेद की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन दोस्तों चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। तो स्त्रियों को धन मिल गया, धन से स्त्रियां क्या करेंगी, अपने रूप को संवारेंगी। और रूप से हमको ध्यान रखना है रूप चतुर्दशी, रूप से हमको ध्यान रखना है रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आएगी रूप चतुर्दशी। इस दिन हम छोटी दीपावली भी मनाते हैं, छोटी दीपावली का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाता है। अब आपको पता है छोटी दीपावली आ गई तो उसके बाद में दीपावली आती है। वैसे भी कृष्ण पक्ष 14 दिन तक चलता है, 15वीं तिथि अमावस्या होती है। तो कार्तिक की अमावस्या को हमारे पास दीपावली आ जाएगी। दीपावली आपको पता ही है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या लौटते हैं। हम बात करते हैं कार्तिक की अमावस्या की, कार्तिक की अमावस्या की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है इस दिन अंधेरा रहता है, तो हम घी के दीपक जलाकर रोशनी करते हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो हम घी के दीपक जलाते हैं। तो दीपावली का त्यौहार हम कार्तिक की अमावस्या को मनाते हैं। इस दिन अंधेरा रहता है, हम घी के दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आती है। दीपावली के बाद आपको पता ही है अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और अन्नकूट महोत्सव होता है। दीपावली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव होता है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आती है, मतलब अब शुक्ल पक्ष चलेगा। तो शुक्ल पक्ष एकम, मतलब कार्तिक की शुक्ल एकम को हम गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव रखते हैं। गोवर्धन पूजा में क्या होता है, गाय के गोबर से पूजा की जाती है। और आपको पता है नाथ द्वारा कांकरोली और कोटा, इनका अन्नकूट महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा और कांकरोली दोनों राजसमंद में पड़ते हैं, इसके अलावा कोटा, इनका अन्नकूट महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमको अच्छे से ध्यान रखना है। गोवर्धन पूजा हो जाती है, गोवर्धन पूजा के अगले ही दिन भैया दूज का हम त्यौहार मनाते हैं, जो कार्तिक की शुक्ल द्वितीया को आता है। भैया दूज हम कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। अब हमको इतना सा ध्यान रखना है कि भैया, तो भैया का क्या नाम है, भैया का नाम है अक्षय। भैया का आपको ध्यान रखना है कि भैया का नाम है अक्षय, और अक्षय से ध्यान रखना है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का त्यौहार जो इसके बाद में आएगा, अक्षय नवमी को हम आंवला नवमी भी बोलते हैं। अक्षय नवमी को हम आंवला नवमी भी बोलते हैं। आंवला नवमी कब आती है, कार्तिक की शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल नवमी को हम अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन भोजन में आंवले का सेवन जरूर किया जाता है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया आंवला, तो आपको पता है आंवला खट्टा होता है। आंवला इतना खट्टा होता है कि इसको खाने के बाद में देवता भी उठ जाते हैं। आंवला इतना खट्टा होता है कि आंवला खाने के बाद देवता भी उठ जाते हैं। तो इसके बाद में जो त्यौहार आएगा वो आएगा देव उठनी ग्यारस। कार्तिक की शुक्ल एकादशी को आएगा हमारे पास देव उठनी ग्यारस। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस मनाते हैं। इसको हम तुलसी एकादशी भी कहते हैं।
तुलसी और शालिग्राम का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए इसको तुलसी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी भी हम इसको कहते हैं, तुलसी एकादशी भी कहते हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भगवान विष्णु चार माह की निंद्रा अवस्था के बाद में देवउठनी ग्यारस को उठते हैं, इसलिए हम इस त्यौहार को बनाते हैं। और इसी तिथि से मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह मुंडन आदि भी प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु चार माह की निंद्रा अवस्था के बाद उठते हैं, इसलिए हम देव उठनी ग्यारस मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबुझ सावा भी इसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का मतलब कार्तिक का महीना हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को हम त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे हम त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में या पुष्कर में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा में या पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है उसमें स्नान का विशेष महत्व है। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन ही पुष्कर अजमेर में मेला भी भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर में मेला भी भरता है। एग्जाम में पूछा जाता है पुष्कर में मेला कब भरता है, तो कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कपिल मुनि का मेला जो कोलायत बीकानेर में भरता है वो कब भरता है, तो दोस्तों कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक की पूर्णिमा को ही भरता है, अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का आपको पता है फिक्स है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि रूठी सास को मनाने की परंपरा कब है, तो मकर संक्रांति के दिन ही रूठी सास को मनाया जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास आती है मौनी अमावस्या। माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या, मैसे मौनी मैसे माघ, तो ध्यान रखना है मौनी अमावस्या कब आती है, माघ की अमावस्या को। मौनी अमावस्या के दिन क्या करते हैं, मौन रहते हैं, तो मौनी अमावस्या माघ की अमावस्या को आती है। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि मौन कौन रहता है, मौन बसंत रहता है, तो बसंत से याद रखना है बसंत पंचमी। मौनी अमावस्या के बाद में हमारे पास आएगी बसंत पंचमी, माघ की शुक्ल पंचमी को हमारे पास बसंत पंचमी का त्यौहार आएगा। बसंत ऋतु का इस दिन से प्रारंभ माना जाता है। कामदेव और रति की आराधना की जाती है, सरस्वती माता की पूजा की जाती है, और इस दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको बसंत पंचमी में भी याद रखना है। माघ की बात करेंगे तो माघ की पूर्णिमा को दोस्तों एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको हम बोलते हैं बेणेश्वर मेला, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। माघ की पूर्णिमा को नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो बेणेश्वर मेले को ही आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जो माघ की पूर्णिमा को लगता है। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो त्यौहार आता है वो आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है जो फाल्गुन की कृष्ण तेरस को आता है। फाल्गुन की कृष्ण तेरस को हम महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन की कृष्ण तेरस को मनाते हैं। शिवजी के पास वैसे त्रिशूल थी, तो त्रिशूल से हमको तेरस ध्यान रखना है, तो महाशिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन की कृष्ण तेरस को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास त्यौहार आता है वो आता है होली का त्यौहार, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होली का त्यौहार आता है वो हमारे पास फाल्गुन की पूर्णिमा को आता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है, और होली के त्यौहार के बारे में आपको सबको पता ही है, होली का त्यौहार भी हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। होली के अगले ही दिन हम धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं। मैंने आपको बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार मनाते हैं, होली के अगले ही दिन हमारे पास धुलंडी का त्यौहार आ जाता है। तो धुलंडी का त्यौहार दोस्तों हमारे पास जो आएगा वो चैत्र कृष्ण एकम को आएगा। फाल्गुन की पूर्णिमा को फाल्गुन का महीना खत्म हो गया, चैत्र कृष्ण एकम को हम धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है होली के बाद में धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। धुलंडी के दिन ही दोस्तों ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला और शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। धुलंडी के दिन ही ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला और शाहपुरा भीलवाड़ा में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है,
काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है श्री महावीर जी की लठमार होली, ब्यावर की देवर भाभी होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली और इलोजी की सवारी, मेवाड़ के आदिवासियों की भगोरिया होली, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ के आदिवासियों की भगोरिया होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों जब हमने राजस्थान के लोक देवी और देवता पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी हम कब मनाते हैं? चैत्र की कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का इस दिन मेला लगता है जो कि चाक्षु जयपुर में लगता है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसी तिथि को आपको ध्यान रखना है गुड़ले का त्यौहार, गुड़ले का त्यौहार भी हम इसी तिथि को मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ले का त्यौहार मनाते हैं। चैत्र की कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया को गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। मारवाड़ में गुड़ले का त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपको गुड़ले का त्यौहार भी ध्यान रखना है। ये राजस्थान के मोटे मोटे त्यौहार हो गए। उसके बाद में हमारे पास नव वर्ष शुरू हो जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष कब शुरू होता है? चैत्र की शुक्ल एकम को हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ किस दिन से होता है? बासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ किस दिन से होता है? चैत्र शुक्ल एकम से ही बासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों जब हमने राजस्थान के त्यौहार शुरू किए थे तब मैंने आपको बताया था तीज त्यौहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर पे राजस्थान में त्यौहारों का समापन हो जाता है। हम गणगौर की बात करेंगे दोस्तों, तो गणगौर हम चैत्र की शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ गण से मतलब हो गया महादेव जी मतलब शिव जी, और गौर से मतलब हो गया पार्वती जी, तो गणगौर का मतलब यहाँ पे महादेव और पार्वती से है। गणगौर का त्यौहार आपको पता है स्त्रियों का त्यौहार है, स्त्रियाँ इसको मनाती हैं। और गणगौर का त्यौहार कितने दिन तक चलता है एग्जाम में पूछा गया, तो गणगौर का त्यौहार दोस्तों 18 दिन तक चलता है। 18 दिन तक गणगौर का त्यौहार चलता है। गणगौर का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, अर्थात कुल 18 दिन तक गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। आपको पता हो दोस्तों जयपुर की और उदयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर की गणगौर और उदयपुर की गणगौर काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को हम मनाते हैं। इसके बाद में दोस्तों छोटे छोटे दो तीन त्यौहार और हैं, केवल आपको उनकी तिथि ध्यान रखनी है। जैसे रामनवमी की हम बात करें, चैत्र शुक्ल नवमी को हम रामनवमी मनाते हैं। भगवान श्री राम का इस दिन जन्म हुआ था। आपको पता होगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी में स्नान करना इस दिन अच्छा माना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाते हैं। उसके बाद में हम बात करें आखा तीज की या अक्षय तृतीया की। बैशाख की शुक्ल तृतीया को हम आखा तीज का त्यौहार मनाते हैं। आखा तीज दोस्तों एक अबूझ सावा है, तो आपको ध्यान रखना है आखा तीज या अक्षय तृतीया जो बैशाख की शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। आषाढ़ की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान के त्यौहार कंप्लीट हो गए। जो जो मैंने आपको बताया अच्छे से उसको नोट डाउन करो, अच्छे से उनको याद करो। इससे जो अगला हमारा वीडियो होगा जो राजस्थान के मेले एवं राजस्थान के त्यौहार के टॉप क्वेश्चंस का होगा, जो भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। त्यौहार में आपका कुछ गलत नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करके चलो, अच्छे से इनको तैयार करके चलो। और दोस्तों आप प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्विज मिल जाएंगी। उस क्विज से आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और आपकी तैयारी कैसी है ये पता लगा सकते हैं। तो डेनियल क्लासेस की ऐप पे टेस्ट जरूर दें और आपकी तैयारी कैसी है
कैसी आपकी तैयारी चल रही है, राजस्थान जीके में आपने क्या क्या पढ़ लिया, वहाँ पे आपको मोस्ट मोस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ से आप क्विज़ ज़रूर दें और अपनी तैयारी को परखें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।